कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाए या कोई साथ छोड़ के चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि बस वो फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज़्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज़्यादा अहमियत रखते हैं, इसीलिए उन्हें वही खर्च करो जहाँ उनकी कदर हो। खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से, यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे अच्छे या बुरे हाल से। लोग पहचानते भले नाम से हो, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। गलत लोगों से ज़्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग ही आपको कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पे शर्मिंदा हूँ। कई बार आप किसी चीज़ की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से चली नहीं जाती। दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कि कहीं मैं ही कुछ उन्हें सुना ना दूँ। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहु रुपया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, तब उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वो इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। ये कलयुग है जनाब, यहाँ कसम खाने वाला नहीं शराब पीने वाला ज़्यादा सच बोलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए ना, तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। इस दुनिया में इंसान झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सज़ा मिलने लगी। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीज़ों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। जैसे ही लगता है जिंदगी समझ आ गई है, पता नहीं कहाँ से जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। दुनिया में 90% लोग एक पिंजरे में कैद है, और उस पिंजरे पे लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उसी खूबी पर जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियाँ माफ़ की जा सकती है, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब पराए लगेंगे, इसीलिए मन में ये वहम पाल के रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। आज के ज़माने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक सामने वाले से मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। खुद से झूठ बोलना दूसरों से
झूठ बोलने से बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं। गैरों से क्या गिला करना जब अपने ही बदल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना अपनों का नकाब उड़े गैरों का पता भी नहीं चलता। याद रखना, चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। एक गलत इंसान किसी के बारे में भी कभी सही नहीं सोच सकता। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फायदा उठाते हैं, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या, जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की ज़रूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे के फीलिंग्स की रिस्पेक्ट ही नहीं, कदर ही नहीं, तो उन रिश्तों को ज़बरदस्ती खींचने की ज़रूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए।